वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी सुबह उठ गए हैं और स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं सीधा स्कूल। और नागपुर में चालू हो गई है बहुत धुआंधार बारिश और टिफिन वगैरह मैडम ने रेडी कर दिए हैं। और अभी हम लोग इसके बाद का जो वीडियो दिखेगा आपको सीधा मोटा व्लॉगिंग वाला दिखेगा। कैमरा लगाएंगे हेलमेट में और जाएंगे सीधा हम स्कूल। इसके बाद अभी जो भी आपको वीडियो दिखेगा वो सीधा दिखेगा हमारे मोटा व्लॉगिंग का। कैमरा लगा लिया है, पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसी आएंगी क्या आएंगी, बस भगवान भरोसे लगा के चल रहे हैं और बारिश में निकल रहे हैं स्कूल के लिए। गेट बंद कर दिया है, देखते हैं कैसी आती है क्वालिटी। ये खड़ी है हमारी बाइक, थोड़ा डाल दिए हैं दूर के, इसने ले लिया है इसमें चाबी हमारे ग्रेटरगढ़ है और पहुंच गए हम स्कूल भीगते भीगते। स्कूल से आ गए थे घर वापस और घर पे अभी नाश्ते में बन रहा है मस्त पोहा और चाय। और यहाँ पर वापस से व्लॉग चालू हो गए हैं मैडम के, तो स्कूल तो बहुत हेडेक गया और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बढ़ चुका है अभी स्कूल में, तो घर बहुत लेट आते हैं और एक घंटे के लिए सो जाते हैं। तो बहुत दिनों बाद जिलपी संडे के बाद ब्लॉग कर रहे हैं, तो अभी मस्त खाते हैं और फिर कैफे जॉइन जाएंगे शाम को चाय पीने के लिए मस्त। तो अभी खाते हैं और टेस्ट बताते हैं इनको कि कैसा बना हुआ है करके। हो गए अभी फुल रेडी और जा रहे हैं सीधा कैफे जॉन। और मेरी वाइफ को थोड़ा कान के वगैरह भी लेना था तो उनकी ड्यूटी में पहनने के लिए, तो चलते हैं सदर और उसके बाद चलते हैं कैफे जॉन, मस्त चाय भी कहते हैं और थोड़ा सा एक राउंड मार के आते हैं तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा फ्रेश लगता है। तो चलो निकलते हैं अभी। बहुत दिनों बाद हम तीनों आए हैं कैफे जॉन में चाय पीने के लिए। बताओ चाय का ग्लास और मोनी भैया, तो हमको बहुत दिनों बाद मिले हैं। अभी प्लानिंग चलेगी हमारी, बारिश गिर रही है तो प्लानिंग चलेगी हमारी बाहर घूमने जाने की अगस्त एंडिंग में। अभी आए थे हम ग्रोटो और चाय वाय पी के हो गया है, ग्रोटो आए थे और इनको भी लाए थे हमने, इनने कभी ग्रोटो देखी नहीं है तो तो अभी जाएंगे हम सदर, कुछ काम है सदर से, कुछ कुछ चीजें लेना है हमको तो लेते हैं और सीधा चलते हैं फिर घर की तरफ। निकल चुके हैं ग्रोटो से और वेदर तो बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है अभी नागपुर का। इस वेदर के लिए यहाँ पर स्टेडियम का कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी रोजरी हो गई है हमारे घर की और हमारे इधर चालू है अभी पानी पूरी पार्टी। ये पूरा लेके बैठे हैं लोग यहाँ पर पानी पूरी, और ये सब घर पे बनाया हुआ चीजें, एक भी पैकेट वैकेट से कुछ नहीं लाया है, सब घर से बनाया हुआ है। खाने का मजा ले रहे हैं सबके साथ, डैडी वहाँ बैठे
और हमारी टीम का मैच है फाइनल, कल फाइनल मैच है वर्ल्ड कप, जैसे नहीं होना चाहिए, हमारी टीम जीतना चाहिए। तो कल देखते हैं कि क्या होता है, अब जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी, तो देखो क्या होता है। पर हमारी टीम को तो हम सपोर्ट करेंगे, तो पानी पूरी खाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी व्लॉग को हम कर रहे हैं कंटिन्यू, और मॉर्निंग में उठ गए, रेडी हो गए, स्कूल जा रहे हैं। आज है हमारे स्कूल में जो 10th एंड 12th पास हुए थे उनका फेलिसिटेशन क्लिप, स्कूल की बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो अभी बन रहा है हमारा टिफिन, अंडा भुर्जी और रोटी, और ये मैडम बना रही है, और ये मैडम ने कल एक लॉन्ग डाली है, और इनका भी स्कूल चालू हो चुका है। और आज है सैटरडे, तो आज जाना है हमको ग्रोटो भी, और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है आज। तो निकलते हैं सीधा स्कूल के लिए, और आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो दिखेगा वो दिखेगा सीधा मोटो ब्लॉक का। निकल रहे हैं घर से और जा रहे हैं सीधा स्कूल। आज देखो रिकॉर्डिंग कैसी आती है कैमरे में, थोड़ा लो आ रहा है कुछ ना कुछ, एक तो हेलमेट नया लेना पड़ेगा और नहीं तो कुछ ना कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ऐसे कुछ लग रहा है अभी, क्योंकि बराबर फुटेज जा नहीं पा रही है। क्लैरिटी तो ऑसम आ रही है बढ़िया कैमरे के कारण, पर जो एंगल जा रहे हैं, जो थोड़ा सा स्काई वगैरह दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है। तो देखो अभी ऐसा क्या कर सकते हैं हम। और ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा माइक के लिए, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा हमको। निकल गए हैं स्कूल के लिए, आज जैसे सैटरडे आता है, फ्राइडे खत्म होता है, सैटरडे आता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है, क्योंकि पता रहता है कि सैटरडे के बाद छुट्टी रहती है कानून की, और आ जाना है पूरे तो चालू है टूट भी आता है, सुबह मन नहीं आता है चालू है कि बंद है, और ये सिग्नल है बंद तो रखना पड़ेगा यहाँ पर। हो गया है चालू सिग्नल, ओके करो। ऐसे लोगों के कारण तो बहुत परेशान है, तो होता है एक्सीडेंट, और फिर बोलते हैं तूने किया मैंने किया, तूने किया मैंने किया, ये करते हैं। वंटी में सब गलत निकाली है, अगर कार वाला रहता तो बिठा देता, क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। स्कूल से आ गए थे घर वापस, और अभी जा रहे हैं मेरी वाइफ को रोटी छोड़ने के लिए, खाना वाना तो खाएंगे नहीं क्योंकि स्कूल में खा लिए थे, अभी जाएंगे सीधा इनको छोड़ेंगे और कटिंग कटाने का। अभी बढ़िया रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हम सीधा ग्रोटो, सिल्वेस्टर के घर आए उसको लेने के लिए, और पानी में कुछ सड़कें ऐसी भर जाती है पूरी, और वेदर बहुत अच्छा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो चलते हैं, वैसे भी टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। हो गया मौसम, और अभी जा रहे हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि ये भी भैया ऑफिस से आए थे और मैंने भी कुछ खाया नहीं, तो खाते हैं और
और द्रौपदी देवी तो और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अभी राजगिरी है तो पूरा ग्रीन हो जाएगा, पूरा 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 ग्रीन हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और चलते हैं अभी कुछ खाते हैं। चावा जी के उठे हुए और भैया को देखिए अपने गाड़ी चलाने के लिए, और मौसम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। घर आ गए हैं वापस और अभी चालू हो गया है हमारा मैच, और हमारे टीम इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। फाइनल मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। 2014 के बाद से हम एक भी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, खास करके वर्ल्ड कप। तो इस बार होप फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट विल हैपन। तो डैडी भी बैठ चुके हैं और टीवी लगा दी है और पूरा मैच देखेंगे आखिरी तक, तो मजा आने वाला है। टॉस जीत के बैटिंग लिया है तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी सब लोग बैठ गए हैं डिनर करने के लिए और इंडिया ने बनाया 176 और हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में, हमने 2 विकेट ले लिया है 12 रन पर और अच्छा खेल रही है इंडिया। बॉलिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। एक और विकेट गई है शायद, देख रहे हैं बढ़िया मैच। और डैडी भी खाना खा रहे हैं, ये भी, और हमने भी ले लिया न्यूट्रेला बनाया हमारे घर में रोटी, तो बढ़िया देख रहे हैं। अब देखते हैं DSR DRS लेंगे कि नहीं लेंगे। चल रहा है मैच एकदम बढ़िया और देखते हैं आउट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी मैच देखिए, जब तक ये व्लॉग आएगा तो मैच तो खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीता ही नहीं है। होप कि इंडिया जीते हमारी। विजेता वही जो हार न माने, विश्व विजेता वो जो दुनिया के सामने अड़ जाए। ये टीम इंडिया अड़ी है, ये टीम इंडिया लड़ी है, ये खिताब सबसे बड़ा है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया कोहिनूर चढ़ा है। ये जश्न की रात है, ये सेलिब्रेशन का वक्त है। 13 साल इंडिया जीत गई है और जीत की खुशी में रात को 12 बजे जा रहे हैं आइसक्रीम लाने के लिए, तो चलते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और पूरी रोड चल रही है, इतनी गाड़ियां, इतना रात के 12 बजे पूरा नागपुर खुल चुका है, रात के 12 बजे पूरा नागपुर जग चुका है वापस से। मैंने पहने हैं सेम टी-शर्ट। हम गए थे सेलिब्रेशन देखने के लिए, कबीर बैंकर कबीर, हर जगह एंजॉय करते हुए सेलिब्रेशन। कम ऑन, आइसक्रीम पार्टी करेंगे हम जीतने पर। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में आइसक्रीम पार्टी। कम ऑन इंडिया।
खाना वाना हो चुका है और अभी चालू करेंगे हम हमारी एडिटिंग। रोज़ नहीं, दो दिन के बाद 6 बजे करेक्ट व्लॉग आ जाता है। तो व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।